सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जेजी फोर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले वन प्लस नोड 4 स्मार्टफोन का एक फुल चार्जिंग टेस्ट। तो मैंने डिवाइस को बिल्कुल ही डेड कर दिया, 0% बैटरी पे कर दिया बिल्कुल ही। एंड इसके साथ हमें जो 100 वॉट का चार्जर मिलता है इसके बॉक्स में, जो कि ये है इसका 100 वॉट सुपर वुक चार्जर। तो भाई इसके साथ ही हम इसका चार्जिंग टेस्ट करने वाले, देखने वाले कि कितना टाइम ले लेता है ये 5500 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करने में 100 वॉट का चार्जर। और आप बताना अपने आइडिया पहले ही कॉमेंट करें कितना टाइम ले सकता है ये। फिलहाल हम प्लग करते हैं सॉकेट में चार्जर को एंड फोन के साथ में, देन स्टार्ट करते हैं इस चार्जिंग टेस्ट को। सो गाइस, यहां पे जो है हमने प्लग कर लिया चार्जर को सॉकेट में एंड केबल भी फोन में लगा दी है। अब फटाफट से सॉकेट का बटन स्टार्ट करेंगे एंड चार्जिंग का टाइम भी स्टार्ट करेंगे और देख लेंगे क्या फोन हीट करता है चार्जिंग के दौरान या फिर नहीं, और कितना ये टाइम ले लेता है फुल चार्ज होने में 5500 mAh की बैटरी विद 100 वॉट चार्जर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 1, 2 एंड 3। तो मैंने दोनों को ही एक साथ स्टार्ट किया है, प्लग के बटन को भी और यहाँ पे चार्जिंग के टाइमर को भी। एंड फ़ोन के अंदर जो है लाइट आ चुकी है भाई चार्जिंग की भी, एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल 0% बैटरी है। तो अब ये चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है। सो फिलहाल इसको चार्ज करते हैं शुरू के 10 मिनट तक, एंड 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसमें कितनी चार्जिंग हमें देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे जो अभी है तो फ़ोन जो है अभी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ नहीं है। सो अब एक बार इसको 10 मिनट तक चार्ज करके देखते हैं, एंड 10 मिनट के बाद हम इसकी चार्जिंग देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे फ़ोन को ऑन कर लेंगे एंड देन देखेंगे कैसा कुछ रहता है सब कुछ। तो यार यहाँ पे जो है 1 मिनट पूरा भी नहीं हुआ हमारा, एंड फ़ोन जो है हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, तो हमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आजकल काफ़ी फ़ोन्स ऐसे ही हो रहा है कि हम चार्जिंग पे लगाते हैं अगर 0% होती है उनमें बैटरी, एंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो पूछते हैं ना, तो भाई आपके सामने अपने आप ही स्टार्ट हुआ है फ़ोन, मैंने कुछ भी यहाँ पे इसको किया नहीं है। सो फिलहाल आपके सामने 1% बैटरी जो है शो कर रहा है यहाँ पे, एंड वाईफाई वगैरह सब बंद कर देता हूँ, बैकग्राउंड में से सारी ऐप्स भी हटा देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं चल रहा है, एंड यहाँ पे हमारा मोबाइल डेटा वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है। सो यहाँ पे आपको बैटरी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग लिखा आ रहा है, एंड यहाँ पे 1% ही हुई है अभी। तो देख लेते हैं भाई कितनी परसेंट चार्जिंग होती है, कितनी ज्यादा तेजी से ये स्पीड पकड़ता है 100 वॉट की चार्जिंग को। सो गाइज, यहाँ पे जो है हमारी 10 मिनट पूरी हो चुके हैं इस फ़ोन को चार्ज करते हुए, एंड अब एक बार देख लेते हैं इसमें चार्जिंग हमारी कितनी हुई है। सो यहाँ पे जो चार्जिंग है भाई वो हो चुकी है 25%। तो भाई 10 मिनट में उसने 25% चार्जिंग कर दिया भाई, आपने देखा ही होगा जैसे 26 हो चुकी है आप, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में बढ़ रहा है भाई, क्योंकि पहली शुरू की 1 मिनट 1.25 मिनट तक तो 1% चार्जिंग थी, उसके बाद इसने पिकअप कर लिया चार्जिंग और बहुत ज़्यादा सही स्पीड से चल रही है। तो भाई इस हिसाब से तो मुझे लगता है ये 45 मिनट्स के अराउंड कंप्लीट कर देगा इसमें फुल चार्जिंग। बाकी जो है हीटिंग की बात करो तो भाई फ़ोन में अभी ज़रा सी भी वार्मनेस भी नहीं हुई है, नॉर्मल पड़ा है फ़ोन एकदम, बिल्कुल स्लाइट सी जो कहते हैं ना वो इस एरिया में है, बिल्कुल स्लाइट सी वार्मनेस जो कि ना के बराबर है। तो भाई ये चीज़ बढ़िया कि इसने स्पीड पिकअप करी है बट हीटिंग को पिकअप नहीं करा, तो भाई ये सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। बाकी देख लेते हैं एक बार इसको और चार्ज करते हैं, एंड इसको 20 मिनट तक चार्ज करते हैं, 20 मिनट के बाद देखते हैं इसमें चार्जिंग कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है हमें, तो वो सब चीज़ें देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आप लाइक कर देना वीडियो पसंद आ रही हो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, ऐसी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहती है। तो फिलहाल इसकी एक बार 20 मिनट तक कंप्लीट करते हैं चार्जिंग, देन बात करते हैं इसमें कितनी चार्जिंग और हमें बड़ी हुई देखने को मिलती है, एंड हीटिंग वगैरह कुछ मिलता है या फिर नहीं। सो गाइज, यहाँ पे जो है हमारे 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए अच्छे से, एंड अब देख लेते हैं कि कितनी चार्जिंग हमें बढ़ी है इसमें। सो भाई अब जो है वो 50% चार्जिंग हो चुकी है, तो वही एवरेज मिली है, 10 मिनट में 25% बढ़ी थी, अगली 10 मिनट में भी 25% और बढ़ गई, तो यानी कि यहाँ पे हमारी 50% चार्जिंग कंप्लीट हो गया भाई 20 मिनट के अंदर, जो कि सुपर फास्ट है भाई। 5500 mAh की बैटरी छोटी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसने चार्ज कर दिया इसे। एंड हीटिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे वार्मनेस हो चुकी है बॉडी में, फुल बॉडी में वार्मनेस आ चुकी है फ़ोन की, क्योंकि भाई पावर ज़्यादा आ रही है, तो नॉर्मल वार्मनेस तो मुझे लग ही रहा था कि अब नेक्स्ट 10 मिनट्स में हमें आने वाली है, हालांकि स्टार्टिंग की 10 मिनट्स में नहीं थी, बट कोई बात नहीं, नॉर्मल से वार्मनेस है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल हमें देखना है कि ये फुल चार्ज कितनी देर में होता है, क्योंकि 51 ऑलरेडी हो चुके हैं भाई, तो मतलब मज़ा आ रहा है इसको चार्ज करने में फ़ोन को, एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में चार्ज कर रहा है ये फ़ोन। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स यानी कि पूरी कंप्लीट करते हैं इसकी 30 मिनट्स, एंड 30 मिनट्स के बाद चेक करते हैं कितनी परसेंट बैटरी हमें मिलती है इसमें, और नेक्स्ट 10 मिनट में क्या यही एवरेज देता है या फिर थोड़ी कम होती है या फिर क्या होता है, तो देख लेते हैं वो चीज़ भी। तब तक के लिए आप दोस्तों वीडियो ज़रूर से लाइक कर देना। सो गाइज, यहाँ पे जो है हमारी 30 मिनट्स भी कंप्लीट हो चुकी है चार्जिंग करते हुए इस फ़ोन को, एंड अब देख लेते हैं कि कितनी चार्जिंग हमें देखने को मिली है इसमें।
तो भाई यहाँ पे जो है 70% चार्जिंग हुई है। अब मतलब कि इसने थोड़ा सा ड्रॉप लिया है चार्जिंग की एवरेज में, जो कि शुरू की 20 मिनट तक 25 मिनट आ रही थी हमारी पूरी 10 मिनट के अंदर, एंड अब इसने जो है 70% दिया, यानी कि 5% कम हुई है पहले वाली एवरेज अगर देखें तो। उसके हिसाब से भी ठीक है भाई, अब धीरे धीरे बढ़ रही है, इसमें 71 हो गई है, 71% हो चुकी है। एंड भाई हीटिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है नॉर्मल वार्मनेस जैसी थी वैसी ही बनी हुई है, यहाँ पे ना तो बड़ी है ना ही कम हुई है, तो नॉर्मल जो वार्मनेस थी ना स्क्रीन साइड और बैक साइड में, तो वही नॉर्मल सी वार्मनेस बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे को ठीक लगी कि भाई हीटिंग फ़ोन ज़्यादा नहीं कर रहा है। और चार्जर की हीटिंग की बात करें तो चार्जर जो है वार्म हो रखा है थोड़ा ज़्यादा फ़ोन से, तो वही है कुछ केसेस में फ़ोन अपने ऊपर हीटिंग ले लेते हैं एंड कुछ केसेस में चार्जर अपने ऊपर हीटिंग ले लेते हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे इतने अच्छे से मेंटेन कर रखी है हीटिंग का मामला। बाकी भाई स्पीड काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है, 40 मिनट्स भी कंप्लीट करते हैं इसकी, देन देखते हैं कि कितनी ज़्यादा चार्जिंग हमारी होती है इस फ़ोन में। सो गाइस यहाँ पे हमारी 40 मिनट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं इसको चार्ज करते हुए, एंड अब देख लेते हैं कितनी चार्जिंग हुई है यहाँ पे। तो भाई 91% चार्जिंग हो चुकी है, तो अब थोड़ी सी एवरेज इसने फिर भी मेंटेन रखी है दोबारा से, और 92% भी हो चुकी है भाई यहाँ पे हमारी चार्जिंग, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे लास्ट की जो चार्जिंग परसेंटेजेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड जो हीटिंग की बात करें तो भाई वार्मनेस जो है ना वही बनी हुई है यहाँ पे पूरे बैक साइड में, यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी, एंड फ्रंट की बात करें तो स्क्रीन पे भी यहाँ पे बनी हुई है वार्मनेस, तो नॉर्मल वार्मनेस है, हीट नहीं है फ़ोन कि आप पकड़ ना पाए या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फील होगी ज्यादा हीटिंग कर रहा है फोन, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल वार्मनेस है जो कि होती है यार किसी भी चार्जिंग को आप करेंगे और इतनी ज्यादा वॉट परसेंटेज से। सो भाई यहाँ पे जो चार्जिंग है 93% हो चुकी है, फटाफट से हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी कर रहा है ये फोन फुल चार्ज इसे, तो जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। मेरे ख्याल से ये 45 मिनट्स में कर देना चाहिए इसे फुल चार्ज, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इस हिसाब से चलता रहा तो ये 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी चार्जिंग। तो गाइस देख लेते हैं हम लास्ट की परसेंटेज ये कितनी देर में और करता है। गाइज यहाँ पे जो है 43 मिनट्स हो चुके हैं, 43.5 लगा लीजिए आप, और यहाँ पे जो चार्जिंग है वो 99 हो चुकी है भाई, कंप्लीट होने ही वाली है और किसी भी सेकंड ये कंप्लीट हो सकती है अब, जो कि काफ़ी तेज़ी से फास्ट चार्ज किया भाई फ़ोन को इसने। एंड हीटिंग वही है नॉर्मल सी वार्मनेस ही बनी हुई है अभी भी, लेकिन भाई यहाँ पे 100% होने ही वाला है ये, और जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था वो तो सक्सेसफुली ट्रू होने वाला है, 45 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो चुका है पूरे 44 मिनट्स में भाई। जैसा कि आपने देखा 44 मिनट्स जैसे ही हुए हमारे कंप्लीट, 100% यहाँ पे चार्जिंग इसकी कंप्लीट हो गई, तो भाई साहब मज़ा आ गया ये चीज़ देख के। इस फ़ोन में हमें मिली है पूरी प्रॉपर 100 वॉट की चार्जिंग यहाँ पे जो है 5500 एमएएच की बैटरी के साथ में, तो भाई इस चीज़ में ये फ़ोन कमाल कर गया। फिलहाल चार्जर को रिमूव करता हूँ एंड देन बताता हूँ आपको थोड़ी सी और चीज़ें इसके बारे में। गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सीरियसली बताना चाहूँगा कि जो चार्जर है ना वो भाई अभी है ना इस वक्त इतना हीट कर रखा है कि बस लिटरली पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे। तो मतलब वही है कि मैंने आपको बताया था कि या तो फ़ोन अपने ऊपर हीटिंग ले लेता या फिर चार्जर अपने ऊपर हीटिंग ले लेता, इस केस में यहाँ पे चार्जर ने अपने ऊपर हीटिंग ली, जो कि भाई ठीक है फोन पे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे और फोन एकदम सही चलेगा, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे चार्जर में कोई दिक्कत आएगी। अब यार इतनी ज्यादा पावर है आप खुद सोचिए, 100 वॉट पावर है, तो उसके हिसाब से हीटिंग इतनी तो होगी ही होगी, और गर्मी का मौसम वैसे ही है और यहाँ पे कोई एसी या कुछ भी नहीं चल रहा है इस रूम में जिस कंडीशन में मैं इसको शूट कर रहा हूँ। एंड फिलहाल यार चार्जिंग की बात करें तो आपने देखा ये पूरे 44 मिनट्स में इसने जो है इसको 100% चार्ज कर दिया जीरो से लेकर, जो कि काफी ज्यादा फास्ट और काफी तगड़ी चीज है भाई। एंड यहाँ पे इसमें 5500 mAh की बैटरी मिलती है, तो आप बताना आपको कैसा लगा ये चार्जिंग टेस्ट और कैसी लगी इसकी चार्जिंग पावर भाई, मुझे काफी अच्छी लगी, मैं काफी इंप्रेस हुआ इससे। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं मैं, एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी एंड ये फोन कैसा लगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।